तो आज यहाँ पे इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। कल का वीडियो में मैंने जहाँ पे छोड़ा था कि कैसे हम लोग इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, कैसे हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग करेंगे, है ना। तो व्हाट आर द वेज दैट दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कैन बी मेड सक्सेसफुल। ओके, सो हियर यू विल गेट दोज आंसर्स दैट व्हाट आर द टेक्निक्स व्हिच आर अडॉप्टेड जनरली बाय द ब्रीडर्स इन ऑर्डर टू carry out an efficient fertilization process, okay, which can also give us the possibility of doing crossbreeding as well as interspecific hybridization can also be done by these techniques, okay. So let's see what are those techniques. So under controlled breeding experiments, you need to study about two of such experiments. The first one I have discussed over here. The first one is called as artificial insemination, okay. So what generally happens in artificial insemination is that we choose a very superior bull, okay. That bull can be present at any part of the world, okay, but that bull has superior genes, okay. That bull has a very bigger height, okay. For example, in our India, in a show like OMG Ye Mera India, wahan pe ek bar dikhaya tha, there is a bull, I think in Haryana, his name is Yuvraj, okay, and that bull has a height of 7 feet or more. So you can understand that how big that bull is. उस bull का जो semen है, उस bull का semen को artificially collect किया जाता है. That means उस bull को कुछ sedatives दिया जाता है, and then there is a structure which is built. So ठीक है, and उस bull के ठीक आगे एक female को रखा जाता है, and वो जो एक structure extend जैसा है, उसमें bull को खींच खींच के उठा दिया जाता है. उसमें एक penis penetrate करने का एक यू कैन से apparatus है, तो बुल अपना पेनिस उसमें apparatus में डाल देता है, लेकिन सामने एक फीमेल है तो बुल को लगता है कि वो फीमेल के साथ कोइटस कर रहा है, लेकिन वो एक ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर है उसमें उसने अपना पेनिस डाला है, तो वहां पे वो कोइटस करके वहां पे वो अपना सीमेन को रिलीज कर देता है. वो जो सीमेन वो रिलीज करता है, उस सीमेन का सेवरल वायल्स बनता है, मतलब सेवरल छोटा 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 उसको सेपरेट करके छोटा छोटा वायल्स बनाया जाएगा. ईच वायल 25,000 rupees का सेल होता है. अगर ये जो युवराज है अगर एक बार इंसेमिनेट करे तो इसका जो अमाउंट ऑफ सीमेन निकलता है उससे कम से कम 8 vials बनता है. 8 vials माने ये काउ एक बार इंसेमिनेट करने से ये मोटा मोटी हम लोगों को 1.5 लाख 1.5 lakh rupees का बिजनेस करा देता है. इतना डिजायरेबल जीन है इस बुल का, ठीक है. तो ये एक सुपेरियर बुल है, ठीक है ना. इस बुल से जो सीमेन हम लोग कलेक्ट करेंगे, उस सीमेन को अगर हम लोग फ्रीज कर ले, क्रायो प्रिजर्व कर ले, -196 डिग्री सेल्सियस में रख दे, तो उसमें ये जो सीमेन है वो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा. उसके अंदर का जो सीमेन है उसका सेलुलर एक्टिविटी विल बिकम इनएक्टिव, है ना. वो सेलुलर एक्टिविटी नहीं होगा, इतना हाई टेम्परेचर में सेलुलर एक्टिविटी नहीं होता है, ठीक है. तो वो फ्रीज हो जाएगा. उस फ्रीज सीमेन को हम लोग दुनिया के किसी भी हिस्सा में लेके जा सकते हैं, एंड आर्टिफिशियली उस सीमेन को हम लोग कोई भी सुपेरियर फीमेल काउ के अंदर डाल सकते हैं. तो ये सुपेरियर फीमेल काउ और सुपेरियर मेल बुल का सीमेन मिलके जो बच्चा प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, हायर प्रोडक्टिविटी देगा, बड़ा साइज का होगा, डिजायरेबल जीन्स अपने साथ लेके आएगा, है ना. सो दिस इज हाउ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज डन. अभी इस डेफिनेशन से जो भी अभी बोला उसको समझते हैं. देखो, सीमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम द मेल दैट इज चूजेड एज ए पेरेंट, ठीक है. ये जो मेल है ये एक सुपेरियर मेल है, मतलब खतरनाक सुपेरियर मेल, सब सुपेरियर जीन्स है, डिजीज नहीं हो रहा है, साइज में बहुत बड़ा है ना, एकदम स्टाउट है, इस तरीके का हम लोग एक मेल को चूज करेंगे, ठीक है. एंड इंजेक्टेड इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ द सिलेक्टेड फीमेल बाय द ब्रीडर, ठीक है. वही ब्रीडर के पास 50 फीमेल काउ है, उसमें से एक कोई फीमेल काउ होगा जो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता होगा, उस फीमेल काउ का रिप्रोडक्टिव ट्रैक में हमारे इस युवराज जो सुपीरियर मेल है उसका सीमेन को डाल दिया गया है, ठीक है. सीमेन इज जनरली प्रिजर्व एट अ फ्रीजिंग टेम्परेचर, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, विच अलाउज इट्स ट्रांसपोर्टेशन. इंडिया से लेके वो जाके स्विट्जरलैंड में अपना फीमेल काउ के अंदर भी डाल सकता है, डाल के डिजायरेबल बड़ा बड़ा साइज का बच्चा प्रोड्यूस करवा सकता है. ब्रीडर्स कैन यूज इट एज पर देयर डिजायर एंड सुइटेबल सर्कमस्टेंसेस. सपोज जो फीमेल काउ ब्रीडर ने चूज किया है जिसके अंदर ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेगा, उस फीमेल काउ को बोले थोड़ा सा बीमारी हो गया, मान लेते हैं बीमारी ठीक होने तक तो रुकना पड़ेगा, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का टेक्निक अगर एडॉप्ट करेंगे तो रुक सकते हैं, क्योंकि वो क्रायो प्रिजर्व है वो सीमेन.
लेकिन आज अगर मुझे इसको नेचुरली फर्टिलाइज करवाना है तो मैं एक मेल को कहीं से पकड़ के लाऊंगा, सुपीरियर मेल को, फिर इन दोनों के बीच में कोइटस करना है। मेरा जो फीमेल काव है उसको फिजिकल इंजुरीज हो सकता है ना, और मेटिंग सक्सेसफुल होगा, नेचुरल मेटिंग सक्सेसफुल होगा उसका भी डाउट है। हमेशा ऐसा तो नहीं है कि सेक्स करने से ही बच्चा हो जाएगा, है ना, बहुत सारा सर्कमस्टेंसेस पैरामीटर को मिलना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अपने अकॉर्डिंगली मैं अपने फीमेल का एस्ट्रस साइकिल को मैं जान सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि फीमेल है, एस्ट्रस साइकिल किसी भी सीजन में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने से नहीं होगा, जब एस्ट्रस साइकिल आएगा सिर्फ तभी हम लोग इस फीमेल से बच्चा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंगली हम लोग हमारे सीमेन को यूज कर सकते हैं जो आर्टिफिशियली हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट करके ले आए हैं, जो क्रायोप्रिजर्व्ड है। लेट माय फीमेल गेट कंप्लीटली नॉर्मल, कंप्लीटली हेल्दी एंड लेट हर एस्ट्रस साइकिल अराइव। दैट इज द सुइटेबल सर्कमस्टेंसेस व्हेन आई एम गोइंग टू इंजेक्ट दिस। आई विल नॉट हैव टू गो हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ अ बिग स्टाउट बुल। आई ऑलरेडी हैव अ सीमेन ऑफ अ बिग स्टाउट बुल। व्हेन एवर एवरी ईयर माई सुपीरियर फीमेल इज गोइंग टू हिट द एस्ट्रस साइकिल, आई विल पुट दिस सीमेन इन हर बॉडी एंड आई विल मेक हर फर्टिलाइज व्हिच विल गिव राइज टू healthier, bigger, stouter, more milk giving infants. Okay, so I hope ये वाला question समझ में आया है। यहाँ पे कभी कभी ऐसा question आता है, what are the advantages of artificial insemination? CBSE में एक बार ये question पूछा था, advantages of artificial insemination, तो यहाँ पे मैंने 3 points से लिख दिया। ठीक है, many cows up to 3000 can be fertilized by the semen collected from one bull. तो एक बुल से हम लोग जो सीमेन कलेक्ट करते हैं उससे हम लोग एट ए टाइम 3000 फीमेल को हम लोग क्या कर सकते हैं, एट ए टाइम हम लोग फर्टिलाइज कर सकते हैं। इतना उस बुल का एक इजाकुलेशन में इतना स्पर्म होता है कि वो एक साथ 3000 फीमेल को क्या करे, फर्टिलाइज कर दे। ठीक है, तो इस बात पे जो बुल है, बुल का रिएक्शन विल बी समथिंग लाइक दैट। जो एक मीम चल रहा है, ऐसा टाइप का जो एक मीम चल रहा है जिसमें वो पाकिस्तानी एक है ना टकला ऐसे करके देखता है, तो ये बुल का भी रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि बेचारा एक बार इंसेमिनेट कर रहा है, वो भी आर्टिफिशियल मेजर्स में एक टेस्ट ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर के अंदर, और वो सीमेन से 3000 फीमेल फर्टिलाइज हो जा रहा है। तो बाकी बुल्स भी ऐसा रिएक्शन देगा, और जो बुल से हम लोग लिया है वो भी तो देगा ही। अच्छा, जो भी हो, यहाँ पे ब्रीडर एनिमल प्लेजर्स के बारे में कम सोचेगा, ही विल थिंक मोर इफिशियंटली अबाउट हिज कि उसका फीमेल जो है वो प्रॉपरली फर्टिलाइज हो रहा है कि नहीं, उसको डिजायरेबल जीन मिल रहा है कि नहीं, उनको प्लेजर मिल रहा है कि नहीं, दैट इज नॉट अ थिंग दैट अ ब्रीडर विल थिंक। ओके, आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिकल मेथड दैट गिव्स हाई रेट ऑफ सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि मैंने बोला, फिजिकल फर्टिलाइजेशन में सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। रादर देन दैट, अगर हम लोग हमारे फीमेल का एक्स्ट्रा साइकिल को अगर हम लोग प्रॉपरली नोट करें, यहां से यहां तक होने वाला है, उस एस्ट्रस साइकिल में ये वो डेट से जहां पे फीमेल एग्स रिलीज करेगी, ये सब अगर हम लोग प्रॉपर्ली नोट डाउन करें, तो उस नोट डाउन करके हम लोग अगर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करें तो हम लोग को ज्यादा सक्सेस मिलने का चांस है, बिकॉज ये कंप्लीटली साइंटिफिक प्रोसीड्योर है, रादर देन मेकिंग देम टू मेट नेचुरली। ठीक है, नेचुरल मेटिंग में सक्सेस रेट कम है रादर देन दिस। प्लस ये इकोनॉमिकल है, माने तुम एक बार सीमेन खरीद के लाओ कोई एक सुपीरियर बुल से, उससे तुम 3-4 साल तक अपने सुपीरियर फीमेल्स को क्या कर सकते हो, प्रेग्नेंट बना सकते हो, फर्टिलाइजेशन उनमें करवा सकते हो, तो ये इकोनॉमिकली भी बेनिफिटेड है रादर देन मैं एक बुल को कहीं से पकड़ के लाओ, बुल का मालिक को पैसा दो अलग से, हर साल लेके आओ, जितना बार ये बुल कोइटस करेगा उतना बार मालिक को पैसा दो। ठीक है ना, तो ये सब इकोनॉमिकली बेनिफिट नहीं है, ये इकोनॉमिकली बेनिफिटेड एक प्रोग्राम है फॉर द ब्रीडर्स। ओके, फ्रोजन सीमेन कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द रिमोट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जहां तक एक सुपीरियर बुल को अगर मुझे अभी पकड़ लो हिमालय का कोई एक बहुत ऊंचा कोई पहाड़ है, वहां पे बोले कोई फीमेल है, सुपीरियर फीमेल, उसको बोले फर्टिलाइज करके लेके जाना है आसाम से, ये ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्चा है, रादर देन मैं एक सुपीरियर बुल का सीमेन ले लेता हूँ और उसको मैं अपने साथ वो हिमालय का जितना भी ऊपर हो वहां पे मैं लेके चला जाता हूँ, जब एक्स्ट्रा साइकिल शुरू होगा फीमेल का उसमें मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो इट इज इजी टू रीच एट द डीपेस्ट लेवल ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो हर तरीके से ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या है, डिजायरेबल है। प्लस ये जो करण स्विस हम लोगों ने बनाया था उसमें हम लोगों ने हरियाणा का एक फीमेल लिया एंड यूएसए का एक मेल लिया। अब हरियाणा का फीमेल और यूएसए का मेल, ये दोनों देखने में बहुत अलग अलग होगा, अभी इनको नेचुरली कैसे हम लोग संभोग सेक्स करवाए, नेचुरली ये तो पॉसिबल नहीं है इन दोनों का संभोग कराना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस बुल का अगर हम लोग सीमेन
यूएसए से लेके इंडिया आ जाए और इंडिया आके अगर हम लोगों ने हमारे सहीवाल काउ के अंदर अगर हम लोगों ने आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर दिया तो सहीवाल काउ शी डज नॉट नो, उसको लग रहा है कि उसके एनस से कुछ पेनिट्रेट हुआ है और सीमेन छोड़ दिया बस, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग वो यूएसए का काउ को उठा के यहाँ लेके आते तो कॉस्टिंग कितना ज्यादा है, इसमें ट्रबल कितना ज्यादा है, टेंशन कितना ज्यादा है, प्लस हमारा जो काउ है वो काउ उस ब्रीड के काउ को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा ये भी तो एक बात है, बिकॉज दोनों बहुत ही लार्जर डिस्टेंस के काउ हैं, ठीक है। दोनों का फिजिकल ट्रेड मॉर्फोलॉजिकल ट्रेड बहुत अलग हो चुका होगा बाय दिस सो मेनी इयर्स ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है ना। दे डू नॉट लुक सिमिलर, सो विल दिस काउ एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर बुल अंडर फिजिकल सर्कमस्टेंसेस, ये भी डाउट है। लेकिन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में तो ये कुछ नहीं है, सहीवाल काउ डज नॉट नो ये किसका सीमेन है, ठीक है, ये बस डाला जा रहा है अंदर, शी जस्ट नोज दिस मच, ओके। सो आई होप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का जो भी डिस्कशन है वो क्लियर हुआ है। नाउ वी विल मूव इनटू द सेकंड टाइप ऑफ कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। सो यहाँ पे अभी हम लोग सेकंड टेक्निक जो है उसके बारे में बात करेंगे, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोएट। तो पहले समझ लेते हैं इस टेक्निक में क्या होता है, ठीक है। सपोज मैं एक ब्रीडर हूं, मेरे पास आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने के लिए मैंने किसी एलाइट बुल माने बहुत ही सुपीरियर बुल का मेरे पास सीमेन इज स्टोर्ड, ठीक है, मेरे पास सीमेन स्टोर्ड है किसी एक एलाइट बुल का और मेरा दिमाग में ये आइडिया है कि मैं नेचुरल कोइटास नहीं होने दूंगा, मैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराऊंगा, ठीक है। बींग अ ब्रीडर, आई एम बींग द ब्रीडर, ओके, दिस इज माई स्टॉक। नाउ आई हैव 50 cows, okay, female, okay, I have 50 female, okay, so out of this 50 female, I will choose one superior female cow, cow तो female ही होता है, one superior cow, I will choose, okay, मतलब 50 में से मैं देखूंगा परफॉर्मेंस सबका कि कौन सबसे अच्छा मिल्क यील्ड कर रहा है, किसका साइज सबसे बड़ा है, ठीक है, कौन सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ मिल्क सीक्रेट कर पा रहा है, कौन कितना फ्रीक्वेंटली मिल्क सीक्रेट कर पा रहा है, ठीक है ना, कौन सा काउ ऐसा है जिसमें डिजीज नहीं हो रहा है, इन सब कैरेक्टर्स को देखते हुए मैं इन 50 में से मैं एक सुपीरियर काउ को चूज करूंगा, ठीक है। और चूज करने के बाद मैं वेट करूंगा कि सुपीरियर काउ का जल्दी से जल्दी इस सुपीरियर काउ का एस्ट्रा साइकिल आए। जब इस सुपीरियर काउ का एस्ट्रा साइकिल आएगा, मैं इस सुपीरियर काउ के बॉडी में, एक तो मुझे पता है एस्ट्रस साइकिल आएगा तो सुपीरियर काउ के बॉडी में नेचुरली ही FSH एंड LH का रिलीज होगा, लेकिन मैं बाहर से कुछ एक्स्ट्रा, ठीक है, अमाउंट ऑफ FSH, ठीक है, इज इंजेक्टेड, मैं इसके बॉडी में, एक तो नेचुरल इसका FSH LH है लेकिन मैं बाहर से भी कुछ FSH हॉर्मोन्स इस सुपीरियर काउ के बॉडी में मैं इंजेक्ट कर दूंगा। काय को क्यों कर रहा हूं मैं ये इंजेक्ट, क्या मिलेगा मुझे ये इंजेक्ट करके? देखो, अगर मैं ये इंजेक्ट नहीं करता तो ये सुपीरियर काउ अपने एस्ट्रा साइकिल में ये एक वन एग रिलीज करती ये काउ, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ FSH इंजेक्ट करूंगा, नाउ दिस काउ इज गोइंग टू डू सुपर ओव्यूलेशन, दैट मीन मोर देन वन एग, ये काउ 6 to 8 एग्स का रिलीज ये काउ करेगा, ये जो सुपीरियर काउ है इट विल नाउ रिलीज, ठीक है, 6 to 8 एग्स इन स्पाइट ऑफ वन एग वन सीजन, ठीक है ना। जैसे ही मैं FSH इसके अंदर में इंजेक्ट कर दूंगा, FSH जाके इसका मोर देन वन फॉलिकल को डेवलप करके सुपर ओव्यूलेशन करा देगा, एक साथ 6 से 8 एग छोड़ देगा, ओके। जैसे ही इसका एक साथ 6 to 8 इस काउ ने जैसे ही ओव्यूलेशन किया, ठीक है, मैं अपना जो ये स्टोर्ड सीमेन किसी बहुत ही एलाइट बुल से मैं लाया हूं, मैं उसको आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करूंगा इस काउ के अंदर, इस काउ के जेनाइटल ट्रैक में मैं क्या करने वाला हूं, मेरा जो ये सीमेन मैंने क्रायो प्रिजर्व करके रखा है, स्टोर करके रखा है, उसको निकाल के मैं फीमेल के बॉडी में इंजेक्ट कर दूंगा। जैसे इंजेक्ट करूंगा मुझे क्या मिलेगा, ये 6 to 8 एग्स तुरंत 6 to 8 फर्टिलाइज एग्स में कन्वर्ट हो जाएगा या जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये 6 to 8 फर्टिलाइज एग्स जाइगोट में कन्वर्ट होता है, ये जाइगोट्स को मैं क्या करूंगा, एक सक्शन पंप के जैसा होता है, वो सक्शन पंप में फीमेल के यूटेरस के थ्रू डालूंगा और उस सक्शन पंप से मैं यूटेरस से ये 6 to 8 फर्टिलाइज एग्स को मैं इस फीमेल के बॉडी से मैं निकाल दूंगा, ठीक है, मैं उस फीमेल के बॉडी से उन एग्स को निकाल लूंगा, ऑल द एग्स उस फीमेल के बॉडी से मैं निकाल लूंगा, ठीक है। निकाल के मैं क्या करूंगा, ये जो फर्टिलाइज एग्स है, इन फर्टिलाइज एग्स को ये जो मेरा रिमेनिंग
कितना काउस बचा है, 49 काउस बचा है, ये रिमेनिंग 49 काउस के बॉडी में मैं ये जो फर्टिलाइज एग्स है, ये एक एक एग इन काउस के बॉडी में मैं डाल दूंगा। तो ये जो काउस है, ये काउस विल सर्व एज व्हाट मदर, सरोगेट मदर, क्योंकि ये जो काउस है ये सिर्फ क्या करेगा, इस सुपीरियर काउ का और इस एलाइट बुल का जो बच्चा है, ये फर्टिलाइज एग्स है, उसको बस दे विल गिव राइज टू दोस पर्टिकुलर एग्स इनटू अ हेल्दी यंग इंडिविजुअल। और ये जो फीमेल है, ये फीमेल के अंदर से तो हमने सारा एग्स निकाल लिया, तो जैसे सारा एग्स निकाल लिया, दिस फीमेल विल बी रेडी फॉर अनदर राउंड ऑफ इवोल्यूशन। क्योंकि हमको पता है एस्ट्रा साइकिल इस काउ के बॉडी में साल में कोई 2 महीना के लिए ही आएगा। उस 2 महीना में अगर हम लोग जितना से जितना ज्यादा एग्स इस सुपीरियर काउ से हम लोग निकाल सकते हैं, उतना ज्यादा फर्टिलाइज एग्स हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि सीमेन तो स्टॉक में है ही, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा फर्टिलाइज एग्स बनाएंगे, उतना ज्यादा डिजायरेबल बच्चा हमारा प्रोड्यूस होगा। तो ये हमारा मोटिव है, ठीक है ना। इन काउस को, रिमेनिंग 49 काउस को हम लोग सरोगेट मदर के जैसा यूज करेंगे, लेकिन जो सुपीरियर होगा उससे हम लोग ओव्यूलेशन करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि ओव्यूलेशन होने में भी तो टाइम लगता है, तो 2 महीने में अगर हम लोग FSH डाल डाल के ओव्यूलेशन कराएंगे, हार्डली ये काउ 3 से 4 बार ही ओव्यूलेट कर पाएगा, ठीक है। तो 3 से 4 बार अगर ओव्यूलेट कर गया, हर बार अगर 6 एग ही रिलीज कर रहा है, 4 बार में 24x24 हेल्दी यंग स्टाउट बच्चा हम लोगों को मिल सकता है, जिनसे हम लोग बहुत ज्यादा बेनिफिट एक्वायर कर सकते हैं। अब डेफिनेशन पे चलते हैं, देखो डेफिनेशन क्या बोल रहा है। इन दिस मेथड ए काउ इज एडमिनिस्टर्ड हॉर्मोन्स विद FSH लाइक एक्टिविटी, ठीक है, टू इंड्यूस फॉलिकुलर मैच्योरेशन एंड सुपर ओव्यूलेशन। इंस्टेड ऑफ 1 एग व्हिच दे नॉर्मली यील्ड पर साइकिल, दे प्रोड्यूस 6 to 8 eggs, ठीक है, जो अभी समझाया। The female is mated with an allied bull or artificial AI, artificial insemination करवाया जाता है, mostly artificial insemination ही करवाया जाएगा। Fertilized eggs are recovered non-surgically, वो suction pump के through उसको recover किया जाता है and transferred to surrogate mothers. The genetic mother is ready for another round of ovulation. ठीक है, जैसे ये eggs recover कर लेंगे, इसके अंदर हम लोग और FSH डालेंगे, इससे हम लोग और 10-15 दिन बाद फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 eggs इससे release करवा सकते हैं and उन 6 eggs को हम लोग फर्टिलाइज एग्स में कन्वर्ट करके फिर से बॉडी से निकाल के हम लोग सरोगेट मदर के बॉडी के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स के बारे में डिस्कशन जो है वो खत्म होता है, ठीक है। नाउ आज के वीडियो में आई एम ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट फिशरी, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फिशरी, दैट इज कल्चर ऑफ फिशेस एंड अदर एक्वाटिक एनिमल्स। So, यहाँ पे अभी जैसे कि मैंने बोला, आज हम लोग फिशरीज का डिस्कशन एक साथ इसी वीडियो में खत्म कर देंगे। तो फिशरीज क्या है, इट इज एन इंडस्ट्री डिवोटेड टू द कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ फिश, शेलफिश। शेलफिश से हम लोग क्या समझा रहे हैं, शेलफिश से हम लोग समझा रहे हैं प्रॉन, लॉबस्टर, ठीक है ना, क्रैब, ठीक है, ये सब है शेलफिश, ठीक है। क्योंकि दीज आर नॉट जनरली फिश, दीज आर इंसेक्ट्स, दीज आर आर्थ्रोपोड, दे हैव अ एक्सोस्केलेटन, इसलिए इनको शेलफिश बोला जा रहा है, बिकॉज दे हैव अ काइटिनस शेल प्रेजेंट ओवर देयर बॉडी एंड अदर एक्वाटिक एनिमल्स, ठीक है। तो कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग, ठीक है, ऑफ दिस इज कॉल्ड एज फिशरी या फिशरीज। पिसिकल्चर इज रेयरिंग, कैचिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशेस ओनली, फिशेस ओनली, ठीक है। पिसिकल्चर जब भी हम लोग बुलाएंगे तो इसका मतलब रेयरिंग माने पालना, कैचिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशेस ओनली। यहां दिस ब्रांच डील्स ओनली विद द फिशेस एंड देयर ग्रोथ, देयर सेलिंग, देयर मैनेजमेंट, ये सब। जबकि एक्वाकल्चर इज द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल एक्वाटिक प्लांट एंड एनिमल। एक्वाकल्चर में हम लोग ओवरऑल व्यू देखते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स, एनिमल्स सब देखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर फिशेस प्लांट्स नहीं खाएगा तो क्या खाएगा, देयर हैज टू बी सम फाइटोप्लैंक्टन, उन फाइटोप्लैंक्टन को जूप्लैंक्टन खाएगा, उस जूप्लैंक्टन को कुछ कुछ फिशेस खाएगा। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ फूड चेन, ठीक है ना, दिस इज अ काइंड ऑफ अ फूड चेन, दिस इज अ काइंड ऑफ अ फूड पिरामिड, है ना। सो एक्वाकल्चर डील्स विद कि एक फिशरी में अगर हम लोग सिर्फ एनिमल्स ही रखे और उसमें हम लोग कोई यूजफुल प्लांट ग्रो नहीं करें तो शायद एनिमल का लाइफ भी इफेक्ट हो सकता है, बिकॉज दिस इज ऑल रिलेटेड विद वन अनदर, दीज आर ऑल स्ट्रेटा ऑफ फूड चेन, हेंस एक्वाकल्चर इज अ ओवरऑल व्यू ऑफ अ वाटर बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट है कल्चर फिशरी। कल्चर फिशरी इज द रेजिंग ऑफ फिशेस इन टैंक्स एंड पॉन्ड्स, ठीक है। ये कल्चर फिशरी आगे जाके हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे ये कल्चर फिशरी में हम लोग फिशेस को ग्रो करवाते हैं, कैसे उनको हम लोग फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, वहां से लेके कैसे ग्रो कराते हैं और ग्रो करा के कैसे हम लोग उसको बेचते हैं, ठीक है। दैट इज कल्चर फिशरी, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा देर में कि कैसे हम लोग कल्चर फिशरी करते हैं। इट इज रेजिंग ऑफ फिशेस इन टैंक्स एंड पॉन्ड्स अंडर ह्यूमन
सर्विलेंस अंडर ह्यूमन सुपरविजन, ह्यूमन पूरा चेक कर सकता है इसको, क्योंकि ये टैंक्स एंड पॉन्ड्स में ग्रो होता है, दीज आर नॉट अ ह्यूज वाटर बॉडी, ठीक है। तो प्रॉपर ह्यूमन के केयर में ये फिशेस ग्रो करेगा, दिस इज कॉल्ड एज कल्चर फिशरी। जबकि कैप्चर फिशरी इज द मैनेजमेंट ऑफ कैचिंग ऑफ फिश विदाउट एक्चुअली रेजिंग देम, जैसे कि नदी से पकड़ लिया, अभी नदी के मछली को तुम थोड़ी ना पाल रहे। दीपोर बिल, हमारा गुवाहाटी का दीपोर बिल इज सच अ फेमस बड़ा सा बिल है, उसमें जो फिश है वो क्या हम लोग जाके उस फिश वहां पे कुछ डाल रहे हैं, कुछ फिशेस हम लोग ऐड कर रहे हैं? नहीं, सालों से, मिलियंस ऑफ इयर्स से उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें फिशेस प्रेजेंट है, ठीक है। और वो फिश वहां पे नेचुरली ग्रो कर रहा है, नेचुरली अपना फैमिली बढ़ा रहा है, हम लोग उन फिशेस को बस वहां से कैच कर रहे हैं, कैच करके बेच रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज कैप्चर फिशरी, ठीक है। वेयर यू कैप्चर फिश विदाउट एक्चुअली रेजिंग देम, विदाउट एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ देम, ठीक है। या समुन्दर से जो फिशेस को पकड़ा जा रहा है, क्या हम लोग उस समुन्दर में फिश हम लोगों ने डाला है? नहीं, ठीक है। तो दीज आर नॉट बीन रियर्ड और ग्रोन अंडर ह्यूमन सर्विलेंस, ओके, दीज आर नेचुरली ग्रोइंग फिश, हम लोग जस्ट पकड़ के ला रहे हैं, दैट इज कैप्चर फिशरी, ठीक है। इंडिया इज एट प्रेजेंट 6th फॉरमोस्ट सी फूड प्रोड्यूसिंग नेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है, याद रखने का एक पॉइंट। ब्लू रिवोल्यूशन इज एन एफर्ट टू इंक्रीज फिश येल्ड इन इंडिया, ठीक है। तो ये है पहले कुछ कैरेक्टर्स और डेफिनेशन कुछ कुछ दे दिया है, अभी हम लोग क्या क्या फिश का स्पीशीज हम लोग जनरली कल्टिवेट करते नहीं करते वो थोड़ा सा देखेंगे, देख के हम लोग मतलब कैसे कैप्चर फिशरी किया जाता है, मैकेनिज्म्स क्या है उसमें चले जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे अभी मैंने कुछ फिशेस का एग्जांपल्स दे दिया है, जैसे कि कल्टिवेबल एडिबल स्पीशीज ऑफ फ्रेश वाटर, ठीक है। फ्रेश वाटर बॉडीज में हम लोग क्या क्या फिशेस को कल्टिवेट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। इंडिजेनस स्पीशीज पढ़ाया है, देसी कतला कतला, लेबियो रोहिता, लेबियो कैल्बसु, ठीक है, नाम याद रखने का कोशिश करना। एक्सोटिक स्पीशीज साइप्रिना स्कॉर्पियो, टीनो फेरिंगोडोन आइडेला, हाइपोथेलमिक्टिस मोलिट्रिक्स, ठीक है। सो दीज आर द एक्सोटिक स्पीशीज, मतलब इनके बॉडी में फ्लैश ज्यादा होता है, फिश का तो हमारा और दूसरा कोई काम नहीं है, फिश से मेनली हम लोग क्या करते हैं, फ्लैश एक्वायर करते हैं, फिश हम लोग फिश का फ्लैश खाते हैं, ठीक है। तो इनमें ज्यादा फ्लैश आता है इन कंपैरिजन टू देम, हेंस दे आर कॉल्ड एज एक्सोटिक स्पीशीज। कल्टिवेबल स्पीशीज ऑफ मैराइन वाटर फिशेस, नाउ यू माइट बी थिंकिंग मैराइन वाटर में कैसे कल्टिवेशन कर सकते हैं ना। आजकल क्या होता है, जो मैराइन वाटर बॉडीज होता है ना उनमें बीच में, ठीक है, बीच में इस तरीके से मतलब समुन्दर का जो बीच है वहां से नेट से एक एरिया को कैप्टिव कर लिया जाता है, ठीक है ना। दे यूज नेट इन ऑर्डर टू कैप्टिव ए एरिया विद इन द ओशन, ठीक है, दैट इज बीच साइड में, ओशन के बीच में जाके तो नहीं कर सकते हैं, जहां पे वाटर थोड़ा है ना मतलब कम है या थोड़ा सा जा सकते हैं जहां तक, वहां तक हम लोग नेट लगा के उस एरिया को एक कैप्टिव एरिया में कन्वर्ट कर देते हैं और वहां पे हम लोग कुछ कुछ फिशेस को ग्रो करते हैं, ठीक है। या फिर आजकल बहुत सारा ऐसा भी निकल गया है कि मैराइन वाटर कंडीशन, बड़ा बड़ा हॉल ऑडिटोरियम ले लिया जाता है, उसमें मैराइन पूरा बड़ा एक पोंड बनाया जाता है जिसमें मैराइन वाटर है, ठीक है ना, और उसमें ग्रो करवाया जाता है फिशेस को, ठीक है। ये भी आजकल आ गया है एक्सपेरिमेंटल थिंग्स, ठीक है। तो लोग आजकल इन हाउस पोंड्स बना के वहां पे मैराइन वाटर कंडीशन बना के वहां पे फिशेस को ग्रो करवाते हैं, ये भी हो गया। तो उसका भी दे दिया, हिल्सा इज इलिश माछ, सालमोन इज वेरी पॉपुलर फॉर देयर मीट बिकॉज ये फिश में बहुत ज्यादा मीट होता है। सार्डिन, हुकान मास, मोस्ट ऑफ द हुकान मास आर मेड फ्रॉम सार्डिन। बॉम्बे डक इज अ फिश फाउंड द महाराष्ट्र वेस्टर्न कोस्टल रीजन। पॉम्फ्रेट, ठीक है, तो ये सब मैराइन वाटर फिशेज है, जानना है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस किया है रिगार्डिंग फिशरी, पॉलीकल्चर और कॉम्पोजिट कल्चर, ठीक है। तो ये पॉलीकल्चर या कॉम्पोजिट कल्चर क्या चीज है? इट इज द प्रैक्टिस ऑफ कल्चरिंग ऑफ डिफरेंट फिशेज टूगेदर। सिलेक्शन ऑफ फिश इज बेस्ड ऑन देयर फीडिंग हैबिट सो एज टू अवॉइड एनी कंपटीशन फॉर फूड। एक पोंड में अगर तुम सब ऐसा फिशेस को डाल दोगे या ऐसा फिशेस को एक पोंड में तुम ग्रो करोगे जो सब सरफेस में आके खाना खाता है तो उनके बीच में कंपटीशन बढ़ेगा। वो कंपटीशन के वजह से क्या होगा, जो तुम्हारा फिशेस है वो उसको सुइटेबल खाना नहीं मिलेगा बिकॉज दे विल फाइट फॉर फूड, उनको सुइटेबल खाना नहीं मिलेगा एंड अंडर देयर सर्कमस्टेंसेस उनका जो डिजायरेबल ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। बहुत सारा फिशेस जो है वो क्या हो जाएगा, कंपटीशन के चलते मर जाएगा। तो ये सब हम लोग देख सकते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग एक पॉन्ड में कुछ ऐसा फिशेस क्यों नहीं यूज करते जो लोग अलग अलग लेवल पे खाना खाता है, ठीक है। जो कोई बॉटम ऑफ द पॉन्ड में खाना खाता है, कोई है जो सरफेस में खाता है और कोई है जो बीच का रीजन में खाना खाता है, तो ऐसा क्यों ना हम लोग फिशेस को रखें। तो अगर तुम ऐसा एक पॉन्ड में
फिशरी का या कल्चर फिशरी तुम कर रहे हो ऐसा एक पोन्ड में, ठीक है, या कैप्टिव सॉरी कल्चर फिशरी बोल दिया, कैप्टिव फिशरी तुम कर रहे हो एक पोन्ड में, और उस कैप्टिव फिशरी में तुम अलग अलग स्पीशीज यूज कर रहे हो डिपेंडिंग ऑन देयर फीडिंग हैबिटेट। तुमने तीन स्पीशीज रखा जो सरफेस में खाना खाता है, तीन रखा जो मिडिल में खाना खाता है, एंड तीन रखा जो बॉटम में खाना खाता है। तो इन दैट वे यू कैन अवॉइड द कंपटीशन एंड यू कैन ग्रो डिफरेंट स्पीशीज टुगेदरली इन वन पोन्ड। दिस इज कॉल्ड एज पॉलीकल्चर और कंपोजिट कल्चर। जैसे कि हमारा जो ये कतला कतला है, ये खाना खाता है कहाँ पे, ये खाना खाता है सरफेस में, ये जो खाना खाता है, ये खाना खाता है जो मिडिल रीजन होता है वो मिडिल रीजन में, एंड ये है बॉटम, ये है बॉटम फीडर, ठीक है, ये बॉटम में खाना खाएगा, ये सरफेस में खाना खाएगा और ये मिडिल रीजन में खाना खाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस किया जा सकता है फिशरी का स्मार्ट वे में, एनालाइजिंग कि क्या क्या स्पीशीज यूज कर सकते हो। एक साथ बहुत सारा स्पीशीज यूज कर लिया और सब बोले सरफेस में खाना खाता है या बॉटम में खाता है या मिडिल में खाता है, कंपटीशन बढ़ेगा, डिजायरेबल ग्रोथ नहीं आएगा। हम लोग को डिजायरेबल ग्रोथ से मतलब है हम लोग बिजनेसमैन है, हम लोग फिशरीज से हम लोग को ज्यादा आउटपुट चाहिए। कैसे फिशरीज से आउटपुट लेंगे, ऐसे लेंगे बाई एडॉप्टिंग सम साइंटिफिक टेक्निक्स, ठीक है। सो आई होप ये वाला पोर्शन समझ में आया है, अब आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे देखो थोड़ा सा आइडिया देने का कोशिश मैंने यहाँ पे किया है कि कल्चर फिशरी कैसे होता है या कैसे कल्चर फिशरी किया जाता है, उसका थोड़ा एक आइडिया देने का कोशिश यहाँ पे किया है, ठीक है। पहले देखो स्टेप वाइज मैंने लिखा है, ऐसे करके गया है स्टेप, यहाँ पे आके खत्म हो रहा है, ठीक है ना। अब इसको समझना पड़ेगा कि कैसे क्या स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, बस समझने पे फोकस। हाँ, पहले हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ हेल्दी मेल एंड फीमेल। हम लोगों को एक फिशरी है, उस फिशरी में सपोज मुझको लेबियो रोहिता रोमास रोहू जिसको हम लोग बोलते हैं उसको बोले मुझे वहां पे ग्रो करना है, तो मैं क्या करूंगा, कल्चर फिशरी करने के लिए मैं क्या करने वाला हूं वो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। पहले मैं क्या करूंगा, सिलेक्शन ऑफ हेल्दी मेल एंड फीमेल, मैं एक हेल्दी लेबियो रोहिता, एक हेल्दी लेबियो रोहिता मेल, एक हेल्दी लेबियो रोहिता फीमेल, बिकॉज वी नो फिशेज आर डायोशियस, इज नॉट इट, मेल फीमेल अलग अलग है, मैं वो सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे भी देखो आर्टिफिशियल सिलेक्शन आ गया है, ठीक है। तो पहले मैं मेल एंड फीमेल को सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करके मैं क्या करूंगा, बड़ा सा एक एक्वेरियम टाइप का, एक्वेरियम तो तुम लोगों ने देखा है, बड़ा सा एक्वेरियम टाइप का मैं एक जार लूंगा, उस जार में मैं मेल एंड फीमेल को डाल दूंगा, सिर्फ मेल एंड फीमेल ही है उधर, ठीक है। डाल के या डालने से पहले उस बड़ा सा एक्वेरियम के अंदर मैं मेल एंड फीमेल के बॉडी में FSH एंड LH इंजेक्ट कर दूंगा, इंजेक्शन मार दूंगा, ठीक है, गोनाडोट्रोफिक हार्मोन GnRH है ना, तो वो इंजेक्ट करूंगा। करने की वजह से क्या होगा, मेल एंड फीमेल दोनों का जो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी है वो बूस्ट हो जाएगा, बूस्ट होने के वजह से मेल एंड फीमेल दोनों अपना जो गैमेट्स है वो गैमेट्स को पानी में रिलीज कर देगा, ठीक है, बिकॉज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, दे विल रिलीज द गैमेट्स इन द वाटर। तो दैट रिलीजिंग ऑफ गैमेट्स इन द वाटर, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज व्हाट, स्पॉनिंग। तो स्पॉनिंग टेक्स प्लेस इन ब्रीडिंग पॉन्ड, यहाँ पे ब्रीडिंग पॉन्ड में हम लोग वो एक्वेरियम को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग एक्वेरियम के अंदर ये सब स्टेप्स करेंगे तो हम लोग प्रॉपरली मॉनिटर कर पाएंगे कि ये मेल एंड फीमेल उसके अंदर कैसे बिहेव कर रहा है, ये मेल एंड फीमेल उसके अंदर में कैसे स्पॉनिंग कर रहा है, प्रॉपर स्पॉनिंग हो रहा है कि नहीं, उनको कोई डिस्टर्बेंसेस मिल रहा है कि नहीं, ये हम लोग नेचुरल पॉन्ड में तो नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग एक्वेरियम टाइप का एक छोटा सा हम लोग एक पॉन्ड क्रिएट करते हैं जिसको हम लोग ब्रीडिंग पॉन्ड यहाँ पे बुला रहे हैं। ये ब्रीडिंग पॉन्ड एक ग्लास का हैचरी है, एक ग्लास का एक्वेरियम टाइप का एक है जिसके अंदर स्पॉनिंग होगा। स्पॉनिंग होने के बाद फर्टिलाइज एग्स आर कलेक्टेड, स्पॉनिंग होगा, मेल एंड फीमेल अपना गैमेट पानी में छोड़ेगा तो ऑब्वियसली फर्टिलाइज एग्स उस पानी में फॉर्म होगा, इस ब्रीडिंग पॉन्ड में फॉर्म होगा, ठीक है। उस फर्टिलाइज एग्स को हम लोग क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, उस चीज से हम लोग उठाएंगे एंड ट्रांसफर्ड इनटू हैचरीज। हैचरीज जो होता है वो होता है बहुत बड़ा बड़ा ग्लास जार, बहुत बड़ा बड़ा ग्लास जार। तो एक एक्वेरियम से उठा के हम लोग फर्टिलाइज एग्स को ग्लास जार में डाल रहे हैं। ब्रीडिंग पॉन्ड एक बड़ा सा एक्वेरियम टाइप का क्यों है, इसलिए है क्योंकि इसमें एडल्ट मेल एंड फीमेल प्रेजेंट है तो जगह चाहिए, ठीक है ना। ये जो फर्टिलाइज एग्स को हम लोग इस ब्रीडिंग पॉन्ड से उठा के एक ग्लास जार में जो ट्रांसफर करते हैं उसमें तो कर सकते ना, एक इतना बड़ा, अगर इतना बड़ा ग्लास जार हो उसमें भी तो कर सकते, बिकॉज फर्टिलाइज एग्स को तो इतना स्पेस नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो हैचरी इज अ ग्लास जार जिसका साइज इस ब्रीडिंग पॉन्ड से छोटा होगा, ठीक है, लेकिन वो भी ग्लास का ही होगा, ठीक है, उसको हम लोग हैचरीज बोल रहे हैं। इन 15 to 18 hours उस फर्टिलाइज एग्स को ग्लास जार में डालने का, हैचरीज में डालने का 15 to 18 hours के अंदर फर्टिलाइज एग्स हैचेस टू बिकम हैचलिंग, जिसको हम लोग सेक फ्राई भी बोलते हैं, ठीक है, वो हैच होगा और एक छोटा छोटा एम्ब्रायो के जैसा कुछ स्ट्रक्चर्स बनेगा अंडर दिस
ग्लास जार, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेक फ्राई है उसको हम लोग इस ग्लास जार से उठाएंगे और उठा के एक पोंड में ट्रांसफर करेंगे जिसका नाम है क्या, नर्सरी पोंड। वो एक छोटा सा पोंड होता है जो हम लोग जमीन में ही करते हैं, ठीक है, विद प्रॉपर हाइजीन वगैरह, लेकिन वो ज्यादा बड़ा पोंड नहीं है, वो एक छोटा सा पोंड है। उस पोंड में हम लोग क्या करते हैं, इन सेक फ्राई को ट्रांसफर करते। देखो जुवेनाइल सेक फ्राई ट्रांसफर इनटू नर्सरी पोंड, दीज आर सम स्मॉल पोंड्स, ठीक है ना। ऐसे छोटा सा एक जगह में तुम कर सकते हो, लाइक 30 सेंटीमीटर का रेडियस को मेंटेन करते हुए अगर तुमने खोद थोड़ा सा खोद लिया, ठीक है, 30 सेंटीमीटर का रेडियस है एंड तुम्हारा जो डेप्थ है वो डेप्थ बोले तुमने 20 सेंटीमीटर का रखा है, तो एक कैसा एक छोटा सा एक गोल पोंड बन जाएगा, तो उस तरीके का पोंड होता है नर्सरी पोंड, ठीक है। वेयर इन 3 डेज, नर्सरी पोंड में इस सेक फ्राई को डालने का 3 डेज के अंदर उस सेक फ्राई में, उस एम्ब्रायो में एक माउथ का डेवलपमेंट होगा। जैसे ही माउथ का डेवलपमेंट होगा उसको हम लोग और सेक फ्राई नहीं बुलाएंगे, उसको हम लोग सिर्फ फ्राई बुलाएंगे, ठीक है ना, सिर्फ फ्राई बुलाएंगे। तो देयर इज डिफरेंस, समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही हैचिंग होगा, हैच होने के बाद जो एम्ब्रायो है उसको सेक फ्राई बुलाते हैं, सेक फ्राई को हम लोग नर्सरी पोंड में ट्रांसफर करेंगे, वहां पे थ्री डेज रहेगा, देखिए उसका एक माउथ डेवलप होगा। जैसे ही माउथ डेवलप होगा उसको हम लोग सेक फ्राई नहीं बुलाएंगे, सिर्फ फ्राई बुलाएंगे, ठीक है। फिर उस फ्राई को उसी नर्सरी पोंड में आर फेड ऑन आर्टिफिशियल फूड, यहाँ पे आर्टिफिशियल फूड से हम लोग जू प्लैंकटन को इंडिकेट कर रहे हैं, छोटा छोटा इंसेक्ट, छोटा छोटा लार्वा, ये सब हम लोग डाल देंगे और ये जो फ्राई है ये फ्राई उन छोटा छोटा फूड्स को खाएगा, स्मॉल इंसेक्ट्स ये सब को खाएगा, ठीक है ना, एंड ग्रोज इन साइज। क्यों इंसेक्ट दे रहे हैं, बिकॉज इंसेक्ट्स आर रिच इन प्रोटीन, इसको अगर हम लोग को जल्दी डेवलप करवाना है हम लोग को प्रोटीन रिच फूड देना पड़ेगा, प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है। तो इट विल ग्रो इन साइज बाय दिस आर्टिफिशियल फूड, तुम लोग आर्टिफिशियल फूड जू प्लैंकटन कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही आर्टिफिशियल फूड खाएगा उसका साइज बढ़ेगा और साइज बढ़ने के बाद उसको हम लोग क्या बुलाएंगे, फिंगरलिंग, जिसका साइज हो जाएगा 4 to 6 inch long, ठीक है, 4 to 6 inch long, इतना बड़ा बड़ा हो जाएगा। 4 to 6 inch long होने के बाद ये जो फिंगरलिंग्स है इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे इनटू अ रियरिंग पॉन्ड। ये रियरिंग पॉन्ड थोड़ा सा नर्सरी पॉन्ड से और बड़ा होगा, लेकिन बहुत बड़ा पॉन्ड नहीं होगा, ये थोड़ा सा और बड़ा होगा, ठीक है ना, लेकिन उसमें डेप्थ थोड़ा ज्यादा होगा, रेडियस थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन उसमें भी हम लोग अंडर सुपरविजन इस फिश को रखेंगे, दूसरे फिश स्पीसीज को यहाँ पे हम लोग नहीं डालेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे लेबियो रोहिता से स्टार्ट किए, अभी तक लेबियो रोहिता ही का ही बात हो रहा है, इस नर्सरी पॉन्ड में जब हम लोगों ने ट्रांसफर किया तो सिर्फ लेबियो रोहिता था, वहां से अभी हम लोग रियरिंग पॉन्ड में जब ट्रांसफर करेंगे, रियरिंग पॉन्ड नर्सरी से थोड़ा बड़ा है लेकिन इस रियरिंग पॉइंट में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सिर्फ लेबियो रोहिता ही है। एंड ट्रांसफर करके फिंगरलिंग को हम लोग बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फूड खिलाएंगे, खिलाने की वजह से ये फिंगरलिंग ग्रो होगा, 4 to 6 inch long से ग्रो होके ये 15 to 20 centimeter long बन जाएगा, मतलब मोटा मोटी इतना बन जाएगा, ठीक है। पहला जो 4 to 6 inch long वो इतना था, इसलिए फिंगरलिंग बोला रहे, फिंगर के जैसा, इसमें 15 to 20 centimeter long हो जाएगा ये फिंगरलिंग, मतलब एक हाथ का लेंथ का बराबर, इतना बड़ा बड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा होने के बाद हम लोग इसको ट्रांसफर करते हैं इनटू स्टॉकिंग पॉन्ड, ठीक है, और स्टॉकिंग पॉन्ड में जैसे हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे, ये स्टॉकिंग पॉन्ड वो पॉन्ड है जिसके बारे में हम लोगों ने, या तुम लोग कंसीडर कर सकते हो, बड़ा पॉन्ड जहां पे बहुत सारा स्पीशीज को हम लोग एक साथ डाल के वो कंपोजिट कल्चर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। एक पॉन्ड में एक स्पीशीज को ग्रो करना वी कांट एफोर्ड टू डू दैट, है ना, एक टाइम पे हम लोग को ज्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए तो हम लोग ज्यादा स्पीशीज को ग्रो करवाना चाहेंगे, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वो जो बड़ा पॉन्ड है जहां पे हम लोग बॉटम फीडर कुछ कुछ चूज करेंगे, मिडिल फीडर, ठीक है, एंड देन द टॉप फीडर, तो उस पॉन्ड में ट्रांसफर करते, वो पॉन्ड है ये स्टॉकिंग पॉन्ड, ट्रांसफर टू स्टॉकिंग पॉन्ड, ठीक है। वहां पे हम लोग ठीक से खाना उना खिलाएंगे, ठीक है। जनरली स्टॉकिंग पॉन्ड में फिश को जो खाना दिया जाता है वो डंक एग्स होता है, ह्यूमन का पोटी, पिक का पोटी, एंड इसको क्या बोलते हैं, हस्क, हस्क तुम लोग को पता है ना, वो जो धान का जो कवरिंग होता है वो कवरिंग से गुड़ा बनता है, वो पाउडर जैसा, मिल में एक पाउडर जैसा बनता है, उस पाउडर को ह्यूमन पोटी एंड पोर्क का पोटी के साथ मिक्स करके कुछ डंक केक्स बनाया जाता है, वो डंक केक्स को फेंका जाता है स्टॉकिंग पॉन्ड में, फिश उसको खाएगा, उसके वजह से फिश के बॉडी में बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड नाइट्रोजन जाएगा, हस्क से आएगा प्रोटीन एंड क्या बोलते हैं इसको, पोटी से आएगा नाइट्रोजन, एमाइनो एसिड, ये सब आएगा, इसके वजह से फिश जो है वो धराधर ग्रो करेगा, जिस फिश को इतना ग्रो करना चाहिए वो इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। दे बिकम एन एडल्ट एंड अटेन अ टेबल साइज इन 6 to 9 months, टेबल साइज का मतलब है जो साइज हम लोग बजार में बेचते हैं, दैट इज कॉल्ड टेबल साइज, द साइज ऑफ द फिश दैट यू कैन रिप्रेजेंट और यू कैन पुट इन अ टेबल इन ऑर्डर टू सेल इट,
ठीक है, तो वो टेबल साइज अटेंड करेगा इन 6 to 9 months, और जैसे अटेंड करेगा फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, पकड़ लेंगे, पकड़ के बेच देंगे, ठीक है। सो ये है द मैकेनिज्म जो हम लोग कल्चर फिशरी या फिश कल्चर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। सो दिस इज द मेथड दैट यू नीड टू नो एंड पॉइंट वाइज जानना है। एनसीईआरटी में ये शायद है नहीं है, आई डोंट नो, होने से भी इतना अच्छे से नहीं है, लेकिन देयर वर मेनी स्टूडेंट्स हु वर सेइंग मी कि सर इस बार हम लोगों का एसेक के बोर्ड में ये क्वेश्चन डाल दिया गया, बट देयर इज नो सच रेफरेंसेस और क्लियर रेफरेंसेस गिवन इन अबाउट स्टॉकिंग पॉन्ड, अबाउट रियरिंग पॉन्ड एंड नर्सरी पॉन्ड, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉन्ड यूज इन फिशरी, ऐसा करके क्वेश्चन दे दिया। मतलब बेसिकली मेथोडोलॉजी पूछ रहा है। आज अगर तुम स्टॉकिंग पॉन्ड के बारे में लिखोगे तो क्या लिखोगे, यही तो लिखोगे जो यहाँ पे तुम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आया था जिसमें बहुत सारा स्टूडेंट्स का हुआ क्वेश्चन छूट गया, और ये काउंसिल का क्वेश्चन पेपर में आया था। यू कैन आस्क योर सीनियर्स इफ यू नीड टू आस्क और मेक अ क्वेरी अबाउट इट। सो ये है मेथोडोलॉजीज ऑफ कल्चर फिशरी, ठीक है, मेक नोट्स। यहाँ पे दो एक्स्ट्रा पॉइंट दे दिया है, ठीक है। ये जो हम लोगों ने डिस्कस किया था मेथोडोलॉजीज में, पहला पॉइंट कि मेल एंड फीमेल फिश को पकड़ेंगे, पकड़ के उसके अंदर FSH LH घोप देंगे, डाल देंगे, ठीक है। तो ये जो आर्टिफिशियली इंड्यूसिंग सिंथेटिक हार्मोन दैट इज GnRH हार्मोन को अगर तुम आर्टिफिशियली इंजेक्ट कर रहे हो किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर, उस प्रोसेस को इन ऑर्डर टू मेक देम ब्रीड क्विकली और इन ऑर्डर टू मेक देम ब्रीड मोर इफिशियंटली, जैसे कि हम लोगों ने क्या किया, FSH डाला था किसके बॉडी के अंदर, काउ के बॉडी के अंदर, क्या किया, सुपर ओव्यूलेशन करवाया उससे, मोएट में हम लोगों ने पढ़ा है दैट प्रोसेस, दिस प्रोसेस, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, हाइपोफाइजेशन। क्यों, क्योंकि हम लोग हाइपोथैलेमस, GnRH कौन रिलीज करता है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस रिलेटेड हॉर्मोन्स का फिनोमिना समझ के आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करके उसका हम लोग मदद ले रहे हैं टू गेट आवर बेनिफिट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइपोफाइजेशन। और ये जो लास्ट में बोला टेबल साइज बनने के बाद हम लोग उसको लेके मार्केट में बेच देते हैं, उसके बारे में ये पॉइंट है। व्हेन ए फिश इन पोंड, ठीक है ना, व्हेन ए फिश इन पोंड हैव अटेंड अ सुइटेबल टेबल साइज, ठीक है, ये कौन सा पोंड के बारे में बात चल रहा है, स्टॉकिंग पोंड के बारे में, ठीक है, नॉट नर्सरी नॉट रेयरिंग, स्टॉकिंग, जिसमें हम लोग फिश को डंग केक्स खिलाते हैं, डिजायरेबल फूड खिलाते हैं, खिला के उसको बड़ा साइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ S, स्टॉकिंग पोंड हैव अटेंड अ सुइटेबल टेबल साइज, जब उसका सुइटेबल साइज बन जाएगा, द फिशेज आर कैप्चर्ड बाय यूजिंग फिश गियर्स लाइक हुक्स, लाइंस, कास्ट नेट, ये सब देखा होगा, हुक्स ऐसे हम लोग ऐसे करते हैं ना, फिर कास्ट नेट ऐसे करके जाल फेंकते हैं, ये सब से हम लोग पकड़ते हैं, दिस मेथड इज कॉल्ड एज हार्वेस्टिंग, ठीक है। दिस फिशेज आर देन टेकन टू लैंडिंग सेंटर्स, लैंडिंग सेंटर जहां पे डिफरेंट डिफरेंट पॉन्ड्स का फिशेज आएगा। लैंडिंग सेंटर एक ऐसा सेंटर होता है जो लोग क्या करेगा, सपोज तुमने फिश मारा, अभी उसमें अलग 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 फिश नेट में आ गया है ना, तुमको ये इन फिशेस को अलग अलग नहीं करना है, तुमको इन फिशेस को कलेक्टिवली गाड़ी में डालना है और लैंडिंग सेंटर ले जाना है। लैंडिंग सेंटर वाले क्या करेंगे, तुमको तुम्हारे फिशेस का प्राइस दे देंगे एंड वो लोग तुम्हारा जो तुमने जो इतना सारा फिश लाके दिया है जिसमें अलग 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 स्पीशीज है, वो लोग उन फिशेस को अलग अलग करेगा। वो तुम्हारा भी एक ट्रक आया, तुम्हारा भी एक ट्रक से टेम्पो से आया है फिशेस, किसी और का भी आया है, किसी और का भी आया है, सब फिशेस को वो लोग कलेक्टिवली लेगा, लेके सबको अलग अलग करेगा, रोहू अलग, कातला अलग, दूसरा फिश अलग, ऐसे करके सबको अलग अलग कर देगा, करके फिर उन लोगों को डिस्पोज ऑफ टू द सेलिंग, डिस्पोज ऑफ बाय सेलिंग इन टू मार्केट, फिर इन लोगों को मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाएगा। आइस वगैरह का एक देखा होगा तुम लोगों ने, है ना, इसको क्या बोलते हैं, व्हाइट कलर का जो, अरे अभी याद नहीं आ रहा है आजकल उस चीज का, थर्मोकोल, यस, थर्मोकोल का इस तरीके का हम लोग देखते हैं कंटेनर जिसमें आइस होता है, उस आइस में फिश को डाल के, सो देट बैक्टीरियल एक्शन फिश में शुरू ना हो, आइस में बैक्टीरियल एक्शन नहीं होगा, डाल के फिश को डिस्पैच कर दिया जाता है मार्केट में बेचने के लिए, ठीक है। तो इतना आज के वीडियो में, ठीक है, कल हम लोग सेरिकल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज सेरिकल्चर, उससे पहले शायद कल हम लोग शायद एपिकल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, एपिकल्चर इज द कल्टिवेशन और रियरिंग ऑफ बीज। चलो बाय बाय, कोरोना।